डेड बॉडी है, ये देखो, ये डेड बॉडी पड़ी है। और ये देखो जो तुम आप जल प्रवाह करते हो ना मूर्तियां, देखो ये पड़ी, देखो गणेश की मूर्ति है और डेड बॉडी के ऊपर पड़ी है। देखो ये डेड बॉडी है अनंग अवस्था के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशु मलिक है, मैं गोताखोर हूँ पटियाला पंजाब से। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है और हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ ये गग्गर वाला कनौर का पुल है। ये नहर जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये SYL नहर है और जो हमने काम करना है वो नरवाना ब्रांच लिंक नहर है और ये पटियाला जिले के अंदर पड़ता है। यहाँ से हमने काम शुरू कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो जिला आएगा वो अम्बाला, अम्बाले के बाद आएगा कुरुक्षेत्र, डल्ले माजरा, जहाँ पर हम अक्सर आपको डेड बॉडी दिखाते हैं। तो हम अपना काम को वहीं स्टॉप करेंगे, वहीं पे ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। बताएंगे आपको आज हमारे साथ क्या मिला, किस तरह मिले, किस तरह के लोग थे, कैसी डेड बॉडियाँ लोग ढूंढ रहे हैं, जो भी जानकारी है नहरों के बारे में या देश दुनिया के बारे में जो भी जानकारी है वो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपने सफ़र को शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। चलो बेटा यहाँ तो कुछ नहीं चला के परली तरफ देखते हैं, उस साइड चल के आसवेल उस साइड चलते हैं परली तरफ। यहाँ पे कुछ नहीं है तो चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, अगले स्टॉप पे देखते हैं चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं डल्ले माजरे, जहाँ पे मैं अक्सर तुम्हें डेड बॉडी के बारे दिखाता हूँ। तो दुआ करता हूँ सिर्फ से कि हमें यहाँ कुछ ना मिले। और एक बार बेटा दिखा दे सारे डल्ले माजरा है, जहाँ पर मैं अक्सर वीडियो डालता रहता हूँ आपके सामने। और मेरे साथ में मेरे दोनों बेटे आए हुए हैं, तो चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ है या नहीं है। इस तरफ तो नहीं बेटा, चल उस साइड देखते हैं एक बार, है ना, उस
साइड देखते हैं, इधर तो है नहीं कुछ, इधर देखते हैं। कचरा तो बहुत हो रहा है, बाकी देखते हैं रोडी वगैरह गंद तो बहुत हो रहा है ना, कचरा कचरा हो रहा है। चल कर देखते हैं यू क्या है, क्या चीज़ है, कोई लकड़ी देख रहे बेटे यहाँ पे डेड बॉडी है, ये देखो ये डेड बॉडी पड़ी है, और ये देखो जो तुम आप जल प्रवाह करते हो ना मूर्तियां, देखो ये पड़ी, देखो गणेश की मूर्ति है और डेड बॉडी के ऊपर पड़ी है, देखो ये डेड बॉडी है अनंग अवस्था के अंदर, ये देखो इतने गणेश हाल में, देखो ये सिरे आपका डेड बॉडी का, पूरी गली छड़ी पड़ी है, ये देखो ये डेड बॉडी है दोस्तों, और ये देखो गणेश की मूर्ति यहीं पे पड़ी है इसके साथ ही, ये देखो तुम लोग ये चीज़ें जल प्रवाह तो कर देते पर ये ही देखते कि बस क्या तुम्हें समझाओ, चलो मैं बताऊंगा इसको, एक डेड बॉडी तो मिली, चल बेटे थोड़ा तो चलो तो देखते पर तरफ चल कर, लंबा डंडा उठा बेटे, एक मिनट रुक जा मैं मूर्ति रखूं पहले वहां पे ऊपर, हाँ ये लंबा डंडा देख, मेरा बेटा मेरे साथ आया हुआ, देखो जरा ये छोटा बेटा भी है, उसको भी आदत है देखता रहता है डेड बॉडी, पर ये पक गए हैं हमारे बच्चे तो बेचारे आ रहे हैं छोटे को, तो दोस्तों एक डेड बॉडी तो वहाँ पे मिल गई है, दूसरी तो पता नहीं क्या लग रहा है, पर जो भी है तो काफ़ी चीज़ों ने खा रखा जान बोलूँगा, देखता हूँ क्या है, ये भी एक डेड बॉडी है, ये हाल हो रहा है देखो कितना जानवरों ने कुत्तों ने खा लिया, दो डेड बॉडियां हैं दोस्तों जो तकरीबन कम से कम तीन तीन चार चार महीने पुरानी डेड बॉडियां हैं, इनको जानवरों द्वारा खाया गया, बहुत बुरा हाल हो रहा है। ये वो डेड बॉडियां हैं जो पीछे आंधी तूफानों में पेड़ों के अंदर फंस जाती हैं, साइफनों के अंदर फंस जाती हैं, और वहाँ से चल के यहाँ तक पहुँच गए, दो डेड बॉडियां देखो, ये मानव शरीर है, और कोई हम फिलहाल तौर पे लोग अब यहाँ आने लग गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, लोगों को पता लग गया इसके बारे में, फिर भी ये सिलसिला नहीं रुक रहा, देख लो मैं तुम्हारे को फिर बताता हूँ, ये डल्ले माजरा साइफन है, और ये जिला कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, नज़दीक ठोल गाँव है, और इससे पिछला जो जिला है वो अम्बाला है, यहाँ पर देखो दो डड़बड़ियाँ पड़ी है बेटे, वो सिर्फ ज़्यादा क्लोजअप ना करिए, यूट्यूब इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, मैं आपको सिर्फ देखो पैर दिखा रहा हूँ, देखो जरा ये इंसानी पैर है और इंसानी सब हैं डड़बड़ियाँ, एक ये पड़ी बेटे आजा दूसरी भी दिखा देते हैं, ये देख लो ये दूसरी भी यही है, चार चार महीने पुरानी ये डेड बॉडियां हैं, ये देखो ये शरीर है इंसान का, ये देखो क्या हाल हो रहा है, तो ये हाल यहाँ डेड बॉडी का हो रहा है, बड़ी बड़ी सड़ने लग रही हैं, दो डेड बॉडियां हैं, बहुत बुरा हाल यहाँ इन डेड बॉडी का कंडीशन हो रहा है, तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहना, बाकी बातें वीडियो के अंत में बताएंगे हम, एक बार मैं और सारी चेकिंग कर लेते हैं, यहाँ पे कोई और चीज़ तो नहीं है, चल बेटा तो चलते हैं,
तो दोस्तों ये दो डेड बॉडियां यहाँ हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। इस टाइम डल्ले माजरा में, फिर दोबारा एड्रेस आपको कंफर्म कर दूँ, ये डल्ले माजरा गांव के पास एक साइफन है, एक अंडरग्राउंड जिसको घोड़ा पुली कहते हैं, और ये नहर के नीचे से नहर निकल रही है। ये नरवाना ब्रांच लेके रह रहा है जो जल्ले सोंडे से होती हुई रोपड़ मरिंडा कीरतपुर भरतगढ़ आनंदपुर साहिब से होती हुई और यहाँ पहुँच रही राजपुरे से होती हुई सीधी अम्बाले से होकर सीधा कुरुक्षेत्र जिले में। इसके बाद में कुरुक्षेत्र जिले के बाद में करनाल जिला आएगा, फिर करनाल जिले के बाद पानीपत, पानीपत के सोनीपत, सोनीपत के बाद ये दिल्ली के अंदर ये नहर एंटर हो जाती है। और फिलहाल आप देख रहे हो पानी इसका गंदा चल रहा है, मेरे कई वीडियो ऐसे जिसके अंदर इसका पानी फुल एचडी और बड़ा साफ पानी चलता है। तो बरसाती दिन चल रहे हैं, बरसाती दिनों के बाद जैसे पीछे बारिश पड़ रही है, यहाँ धूप अच्छी निकल रही है। अब जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था वहाँ फुल ज़बरदस्त बारिश थी, पर यहाँ नहीं है। तो दोस्तों मैं कम समय के अंदर ज़्यादा ना बोलते अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये दो डेड बॉडियाँ मिली है, दोनों नंग अवस्था में, एक डेड बॉडी तकरीबन 2.5 से लेके और 3 महीने के बीच की है और दूसरी डेड बॉडी 3 महीने से लेके और 4 महीने पुरानी है और दोनों जेंट्स है। दोनों के दोनों पे कोई शरीर पे कोई कपड़ा या कोई किसी तरह का कोई टैटू चैन घड़ी पर्स निशानी नहीं है जिससे इनकी पहचान हो जाए। उम्र मैं आपको बता देता हूँ, जो 2.5 महीने से लेके 3 महीने की जो उम्र की डेड बॉडी है वो 35 से लेके 40 साल का है और वो जो उनसे है वो 25 से लेके 30 साल का है। दो डेड बॉडी यहाँ पड़ी पड़ी सड़ने लग रही हैं। अगर कोई मेरा भाई इनको जानता है पहचानता है, उनके अड़ोस और पड़ोस से 4 महीने के अंदर कोई आदमी गुम हुए हैं, तो ये मैं फिर एक बार एड्रेस कन्फर्म करता हूँ, ये घोड़ा पुली डल्ले माजरा नज़दीक ठोल गाँव जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर पड़ती है और यहाँ पर डेड बॉडियाँ पड़ी हुई है। जो भी मेरा भाई इसको पहचानने के लिए आना चाहता हूँ तो इस जगह पर आ जाता हूँ, आ सकता है। मैं जगह बता देता हूँ, फिर दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये ठोल गाँव के नज़दीक डल्ले माजरा घोड़ा पुली साइफन है जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर, यहाँ पर दो डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों इसी तरह मैं आपको जागरूक करता रहूँगा, वीडियो जितने भी हम आपको बना बना के डेड बॉडी के बारे में दिखाते रहेंगे। बीच में हमारा कुछ स्टॉपेज हो गया था, पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन अब कोशिश करेंगे हम कंटिन्यू लगातार आप तक ये वीडियो पहुँचाएंगे और जो हमारी चीज़ें जिसको हम दिखा रहे हैं समाज के सामने लाना चाहते हैं उन बातों को हम समाज के सामने रखेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसे लगा इसको लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारी बातें सरकार के कानों तक पहुँचे जो हम उनके कानों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, कल फिर एक नई कहानी एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। जय हिंद। एक लड़का नौजवान जो रात के टाइम तकरीबन 3 बजे नहर के अंदर छलांग मार के अपनी साइकिल को खड़ा करते